So students, today we are going to start with the new chapter, that is trigonometry. And the first topic of the trigonometry is the angle and its measurement. जैसे आपको पता है trigonometry is a branch of a science, और ये basically angles के related रहती है. ये हाइट एंड डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए हमारे को ये बेसिकली यूज होता है. तो सबसे पहले बात करेंगे एंगल की. एंगल क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे. अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन खींचता हूँ, ठीक है जी, इसको बोल देते हैं इनिशियल. पहले लाइन यहाँ है, मान लीजिए ये ओ एक्स लाइन है, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द लाइन. इनिशियल पोजीशन. अब इस लाइन को मूव कर दीजिए, ऐसे मूव कीजिए कि इसको मत मूव करो, ओ पॉइंट फिक्स रख दो. तो आपके पास ये मान लो थोड़ी देर बाद लाइन आपकी ऐसे चली गई, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन होगी मान लीजिए. रेज कह दो, लाइन कह दो, रे कहना ज्यादा अच्छा रहेगा. तो ये जो चीज बना यहां से यहां तक, दिस इज नोन एज द एंगल, करेक्ट. अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है. अब पॉजिटिव यहां पे एंगल होता है जीरो, ठीक है. तो जब मैं जाता हूं एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव होता है, जब मैं जाता हूं क्लॉकवाइज तो एंगल होता है नेगेटिव. ये याद रख लो नंबर वन. जब आप इस पोजीशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता है एंगल जीरो. अगर आप इस पोजीशन से जाते हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा, तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलता है. अगर आप घड़ी के अलोंग जाते हो तो आपको नेगेटिव एंगल मिलता है. तो हमारे पास उसके इसमें क्वाड्रेंट भी आएंगे, क्वाड्रेंट. ये चार क्वाड्रेंट है. नंबर वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट. अब आपने जितना भी एंगल पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ डिग्री में. अब हमेशा ऐसे देखते हो 30 डिग्री 40 डिग्री, हम और भी बात करेंगे. हम डिग्री के अंदर तो समझते हैं, यहाँ पे एंगल होता है जीरो डिग्री. आपको पता है कि अगर हम क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री. तो जीरो से लेकर 90 के बीच बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है जी. फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जीरो से लेकर 90 के बीच बीच, करेक्ट. फिर 90 से लेकर 180, ये 180 है, हाँ ओके, ये 180, इतना 90 से लेकर 180, ये हो गया जी सेकंड क्वाड्रेंट. फिर 180 से लेकर 270 डिग्री तक, ये 180 से लेकर 270 तक, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट. तो 270 से लेकर हो गया 360 तक, ये हो गया जी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी. ये हमारा हो गया 270 से लेकर 360 तक. अगर आप ऐसे इधर को चलते तो यहाँ -90 होता, यहाँ -180 होता, यहाँ -270 होता, यहाँ -360 होता, एंगल नेगेटिव होना शुरू होते. तो ये हमें चार क्वाड्रेंट के बारे में, ये ओरिजिन है.
करेक्ट। तो पहला तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हमारे को जैसे अदर यूनिट्स जो एंगल को मेजर मेजर करने के लिए जो यूनिट आप जानते हो वो है डिग्री। तो ऐसे दो और भी यूनिट्स हैं, वो होते हैं रेडियन एंड ग्रेड्स। तो हमें इनके बीच में रिलेशन चाहिए, जो एक रिलेशन बिटवीन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, मींस रिलेशनशिप, रिलेशन शिप बिटवीन, तीन सिस्टम होते हैं, शिप बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए जो तीन सिस्टम है उनके बीच में रिलेशन। पहले ही तो मैंने बात कर दी डिग्री की, ठीक है। दूसरा होता है रेडियन, रेडियन की डेफिनेशन भी बताएंगे आपको। तीसरा होता है ग्रेड्स। पहचान क्या है? सबसे पहले तो एक राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल, जहां आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो 90 डिग्री है वो एक राइट एंगल के इक्वल है, वो होता है हमारे पास रेडियन में पाई बाई टू रेडियन। रेडियन में ऊपर पावर स्मॉल छोटा सा सी लिख देते हैं, पर नॉर्मली रेडियन की आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप पाई के अंदर आंसर लिख दो। अगर आपने पाई में आंसर लिख दिया इसका मतलब रेडियन आ गया, ठीक है। ग्रेड्स, ग्रेड्स होता है इसी के इक्वल, 100 ग्रेड्स के इक्वल होगा, ग्रेड्स का स्मॉल जी। तो ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये टू इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर कर लीजिए, ये 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। या आप ये रिलेशन याद रख लीजिए, जहां आप ये रिलेशन याद रख लीजिए, ठीक है जी। तो ये रिलेशन इसलिए जरूरी है कि आपको कन्वर्जन आ सकती है। कन्वर्जन सीखेंगे आज हम सारी, बहुत अच्छे से कन्वर्जन करनी भी सीखेंगे कि अगर डिग्री दी हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन दिया हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ग्रेड दिया हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सारा कुछ इसी एक रिलेशन से हम सब कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन करने से पहले मैं एक रेडियन के बारे में बताना हूँ, वो सेपरेटली भी आपको समझ आना चाहिए कि रेडियन क्या होता है। रेडियन बेसिकली सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? कहता है कि अगर एक सर्कल लीजिए, उसकी एक आर्क लीजिए, एक आर्क कितनी है? एक आर्क लीजिए 1 यूनिट, और रेडियस कितना? 1 यूनिट। यूनिट मतलब समझो सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, 1 यूनिट, ठीक है। वो जो आर्क है वो सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बनाएगी, करेक्ट। तो मतलब जितनी आपने लेंथ ली आर्क की, उतना ही उस सर्कल का रेडियस होना चाहिए। तो वो जो आर्क है वो सेंटर पे, उसका नाम ए बी रख दो, आर्क का जो मर्जी रख दीजिए, वो सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बनाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन। कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, एक उसकी आर्क ले लो ए बी आर्क, उसकी लेंथ ले लो एल। ये जो ए बी आर्क है उसकी लेंथ है एल, और उसका सेंटर, सेंटर जो मर्जी हो, रेडियस ले लीजिए आर।
आर भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ है क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो सेंटर पे एंगल जो बनाएगा वो थीटा बनाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये एक रिलेशन होती है थीटा के बीच में, रेडियस के बीच में, तो लेंथ ऑफ द आर्क। जैसे मैंने 1 रेडियन की बात की, अगर एल और आर दोनों सेम हो तो दोनों कट के थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, इसको आप एल इज इक्वल टू थीटा आर लिख लीजिए, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, ये रिलेशन आपको याद रखनी है। इसके बेस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एक खास चीज होता है इस फार्मूले में, इस फार्मूले में खास चीज ये है कि ये जो थीटा आपका होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। अगर मान लो थीटा दिया हुआ, आर दिया हुआ, एल निकालना है, तो थीटा आप डिग्री में पुट नहीं कर सकते इस फार्मूले में, थीटा रेडियन में पुट करना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लो आपको एल और आर दिया है दोनों डिस्टेंस, तो आपने पुट कर दिया, थीटा निकाल दिया, तो थीटा जो निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, वो डिग्री में नहीं निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए इस फार्मूले में, करेक्ट जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिग्री होती है उसके सब यूनिट भी होते हैं। हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स, ये रिलेशन तो आपको याद रखनी रखनी है। जैसे किलोमीटर के आगे मीटर होते हैं सब यूनिट, मीटर के आगे सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह 1 डिग्री जो होती है वो इज इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है। ये मिनट होता है, ये सिंबल होता है मिनट, मिनट्स, ठीक है। और एक मिनट होता है 60 सेकंड्स के इक्वल, ये डबल डैश जो है ये इसको सेकंड्स बोलते हैं, ठीक है। जो रेडियन होता है उसका सब यूनिट नहीं होता, रेडियन का छोटा हिस्सा नहीं होता, स्मॉल यूनिट नहीं होता। डिग्री का मैंने बता दिया, डिग्री का छोटा हिस्सा मिनट, मिनट का छोटा हिस्सा सेकंड, सेकंड के आगे हम नहीं चलते। उसके बाद जो ग्रेड है उसका भी सब यूनिट होता है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट इन ग्रेड, ये ग्रेड सिस्टम के अंदर, इज इक्वल टू 100 सेकंड। ये जो मिनट है ये ग्रेड वाले हैं, करेक्ट। तो इन चीजों को लेकर पहला क्वेश्चन निकाल रहा हूं, एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेडियन, ये 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले ये दिमाग में रिलेशन याद रख लो कि जो 180 डिग्री है वो रेडियन के किसके इक्वल है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपको पता होना चाहिए। बस यहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, जो आपको दिया हुआ है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, एक डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180। तो 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 45। अब इसको थोड़ा जो कैंसिल कर लेते हैं, ये चला जाएगा जी आपका 4 क्यूब, तो पाई बाई 4। तो 45 डिग्री जो है वो पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल है। रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, पाई में आंसर आ गया मतलब रेडियन, करेक्ट। अब बड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, 18 डिग्री एंड 20 मिनट, 18 डिग्री एंड 20 मिनट। देखो प्रोसीजर तो सेम ही अप्लाई करेंगे, इसको भी रेडियन में ही कन्वर्ट करना है, पर अब ये प्रॉब्लम है इसकी मिनट की।
पहले पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो बेटा जी, ये जो 18 डिग्री है और 20 मिनट है, इसको आप लिख सकते हो 18 डिग्री प्लस 20 मिनट, है ना। पहले मिनट को भी डिग्री बनाओ। वो कैसे बनाओगे कि 60 मिनट है एक डिग्री के, मैंने बताया हुआ है, एक मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 60 मिनट 1 डिग्री, 1 मिनट 1/60 डिग्री, तो 20 डिग्री 20 मिनट सॉरी 20 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 20। तो ये मेरे पास आ गया कैंसिल होके 1/3 डिग्री, तो 20 मिनट के 1/3 डिग्री हो गई। तो आप क्या करोगे, यहाँ 18 डिग्री प्लस ये 20 मिनट के कितने बन गए, 1/3 डिग्री, पूरा एक यूनिट होना चाहिए। अब इसका सम करो, एलसीएम लिया 3, ठीक है जी, एलसीएम लिया 3, 18 इंटू 3 54 प्लस 1, ये बन गया जी 55/3 डिग्री, ये डिग्री आ गया। अब डिग्री आपके पास आ चुका है, अब डिग्री को बनाओ रेडियन में। आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, और 55/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 55/3। अब इसको करते हैं जी कैंसिल, जितने पे होता है 5 पे किया ये 11 आ गया, ये 5 पे किया तो 36, ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ गया 11 पाई, 36 इंटू 3 108, ये मेरे पास आंसर आ गया इतने रेडियन। बोलिए, देखो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कैसे है। क्वेश्चन लेता हूं जिसमें तो पाई दिया हुआ है, ये रेडियन है ना। कई बार रेडियन पाई में नहीं दिया होता, जैसे कोई नंबर दिया होता है तो वो भी, पर आपको एग्जामिनर बताएगा कि ये रेडियन है। अब ये रेडियन है तो आपको रिलेशन वही याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री बनाना ना। तो 1 रेडियन, पहले 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई लिखते थे, अब पाई इज इक्वल टू 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, और 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 2π/3। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 60, तो ये आ गया जी 120। लो जी, हमारे पास 2π/3 इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री, करेक्ट। तो इस तरह से हम कन्वर्जन सीखेंगे। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूजफुल क्वेश्चन करने लगे हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, बड़े ध्यान से देखो, कि 2 रेडियन, रेडियन है 2 रेडियन, कोई भी हो सकता है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी रेडियन है, इसको डिग्री बनाने हैं, करेक्ट। तो जो फंडामेंटल आपको सिखाया हुआ है उसी के हिसाब से चलना है। देखो देखो कैसे, नंबर 1, आपको पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई,
और 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 2। ठीक है, अब बेटा जी दिमाग में अच्छे से याद रखो, जो हमारे पास ये डिग्री है ना, ये डिग्री है तो डिग्री में पाई नहीं नजर आना चाहिए। अब बोलो पाई की वैल्यू 180, नो 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 नो, पाई की वैल्यू आपने लेनी है 22/7, पता होना चाहिए। तो कैसे, चलो आगे, 180 22/7 इंटू 2 और आगे चलिए 180, ये 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे है, ये 2, अब जो कैंसिल कर सकते हैं करिए, 2 पे गया, ये गया जी 11, और किसी पे कैंसिल नहीं हो रहा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अब 18 जो हमारे पास 180 है, इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, ठीक है जी, ये आ गया 1260 डिवाइडेड बाई 11। बेटा जी ये आ गया हमारे पास डिग्री। और एक चीज याद रखो, क्योंकि रेडियन के तो सब यूनिट होते नहीं थे, पर डिग्री के सब यूनिट है, तो आप आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, इसको आपको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, आप कीजिए 1260 को डिवाइड कीजिए 11 से, ठीक है, पहले 1 पे गया 11, फिर 16, फिर 1 पे गया 11, ये आ गया 5, फिर 0, ये अब जाएगा जी 4 पे, 44, ये आ गया 6। आगे डेसिमल लगाना है, डेसिमल चाहिए नहीं, तो एक तो 114 डिग्री तो पूरा ही आ गया, बाकी आपके पास क्या आया, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है, डिवाइजर 6/11। बेसिकली ये क्या आया है, ये जो 6/11 आया है ना, ये उसका छोटा हिस्सा है, किसका, ये भी डिग्री है और ये पूरी कंप्लीट डिग्री नहीं है, है ना। तो आप क्या करो, जो 6/11 आया है ना डिग्री, इसको मिनट बना दो, तो आपको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, तो 6/11 डिग्री में कितने होंगे, 6/11 इंटू 60, तो इतनी जो डिग्री है ये वाली, इसके अंदर 6/11 इंटू 60 ये मिनट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गए हमारे पास 36 मिनट, और ये भी फ्रैक्शन में आ गए, जो 6/11 डिग्री है उसको हमने 360/11 मिनट बना लिए। अब अभी मिनट के भी सब यूनिट होता है सेकंड, तो अभी इसको 360 को डिवाइड करो 11 से, क्या 3 के ऊपर 33, ये आ गया जी 30, फिर 2 पे गया, ये आ गया जी 22, ये आ गया जी 8। अब देखो ये जो है 114 डिग्री तो आ गया, इसका हमने ये बनाया, इसका हमारे पास 32 मिनट तो पूरे आ गए, बाकी जो बचा ना हिस्सा, जो 8/11 ये भी मिनट है, ठीक है। अब मिनट को भी फ्रैक्शन में मत छोड़ो, जो 8/11 है मिनट, आपको पता है एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये जो 8/11 मिनट है, 8/11 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ये बन जाएंगे जी सेकंड्स, तो ये आएगा 48/11, इतने मिनट बन गए।
अब 4, 8, 0 और 11 को डिवाइड करोगे 11 से तो क्या आ जाएगा? मेरे पास 4, 4, 4, 4, 0 ये आ गया जी 3, 33 आगे आएगा, पर आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब यूनिट फिर नहीं होता, तो हम लिख देंगे 1 1 4 डिग्री 32 मिनट, और इसका बनाया हमने ये और 43 मिनट, सॉरी 8 मिनट और 43 सेकेंड्स। आगे जो बचता है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, फिनिश। दिस इज द आंसर।